यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जो इस अवसर दिया है आप सबके घरों में पहुंच सके और शुभ संदेश चैनल के लिए और तमाम लोग जो मुझे इस कार्यक्रम को आपके पास तक पहुंचने के लिए सहायता करते उन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा प्रभु, इस वक्त प्रभु क्रूस के द्वारा प्रभु हालेलुया हमने प्रभु ये अनुग्रह को पाया है। यीशु तेरे चरणों में आते हैं, जो भी वचन तैयार किया है उसमें यीशु तेरे लहू को और पवित्र आत्मा मोहर को लगा दीजिए, ताकि परमेश्वर बोलने वाले मुझको और देखने वाले दर्शकों को दोनों को आशीष मिले। हम सब मिलके प्रभु तेरे जय का उत्सव को मनाए। प्रभु यीशु सारा आदर सारी महिमा आपको देते, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। जो विषय मैंने लिया है, यूज इट और लूज इट, इस्तेमाल करो या खो दो, ये है। ये इसका कई बार हम देखते हैं यीशु मसीह जो है कि अलौकिक बातें आत्मिक बातें दृष्टांत के रूप में बताते हैं, ताकि साधारण मनुष्य भी उसको समझ सके और फिर उसके सिद्धांत को अपना सके। इसी वजह से परमेश्वर ने एक बाइबली है जो ओरिजिनली वो हिब्रू और ग्रीक और लैटिन भाषाओं में जो साधारण व्यक्ति तक वो समझ में नहीं आते थे, एक ही बाइबल है जो हमारे पास बहुत सारे हजारों भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि हम स्वर्ग की सच्चाइयों को हेवनली ट्रूथ्स को हम जान सके और अपना जीवन में अमल कर सके, अपने मसीह जीवन को एक जयवंत जीवन को हम बना सके। इसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमेशा वो इस पृथ्वी में थे तब भी ये दृष्टांत के रूप में हमें समझाया, और फिर वैसे ही उनके चेले ने भी बहुत सारे दुख उठा के और बहुत महापुरुष जो यीशु मसीह के अलग अलग टाइम पे इस बाइबल को ट्रांसलेट करके इवन लोकल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके हमें साधारण प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचा दिया। और जैसे यीशु मसीह प्रेरितों का 1:9 में हम देखते हैं, ये कहकर उसने देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसकी आंखों से छिपा लिया, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताके रहते तब देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देखते हो? ये यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है उसी रीति से वो फिर वापिस आएगा। हालेलुया। जो हमारे यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया तो भी दोबारा स्वर्ग में हम सबको लेने के लिए आएंगे। आते सब यहाँ जितना दिन हम इस पृथ्वी में रहते हैं तो हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे एक वो कहने के लिए एक दृष्टांत के रूप में यीशु मसीह ने मत्ती 25 का हम पढ़ेंगे 14-30, क्योंकि ये उस मनुष्य के समान जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसे सौंप दी। देखिए एक व्यक्ति परदेश जा रहे हैं और फिर वो वापिस आएगा और फिर वो अपने दासों को बुलाकर वो संपत्ति को उसने सौंप दी। ऐसे यीशु मसीह जैसे वो स्वर्गारोहण किया और फिर आएंगे, फिर हम सब वहां जाएंगे स्वर्ग में, और फिर उनके व्हाइट थ्रोन जजमेंट बोलते हैं ना, जो श्वेत सिंहासन, उनके सामने सबके सब खड़े हो जाएंगे, हमारा न्याय होगा, हमारा किताबें खुल जाएंगे और हम हिसाब किताब देना है। उसी तरह से यीशु मसीह उस बात को यहाँ पे एक दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं। एक परदेशी है और वो परदेश जाते समय अपने दासों को संपत्ति सौंप दी।
और कितना सोम दी, किस किस को कितना सोम दी, ये उसने कहा 15 वचन में लिखा है, एक को तो 5 तोड़े, दूसरों को 2 तोड़े और तीसरों को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और सब तब परदेश चला गया। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह कुछ रिसोर्सेस तो सबके लिए बराबर दिया, जैसे 24 hours, 24/7 सबके लिए 24 घंटे दिया, और ताकत से 80 नहीं तो 70 ऐसे इंसान का आयु ऐसे सबको ऐसे लिखा हुआ है बाइबल में सबको है। और फिर सूरज का और बारिश का, और फिर उसके बाद जो बॉडी पार्ट्स है जो हमारे लहू बहने का ये सारा कुछ बहुत कुछ सेम है, बहुत कुछ सेम है, लेकिन कुछ टैलेंट्स और गिफ्टिंग्स सबको सेम नहीं है। लेकिन हम एक ये देखते हैं परमेश्वर, लेकिन ये जरूर देखते हैं कि चाहे 5 तोड़े दिए, चाहे 2 तोड़े दिए, 1 तोड़े दिए, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और फिर हम उसको कितना लाभ लेके आते हैं, अपना मालिक को कितना लाभदायक होते हैं, ये जरूर देखते हैं ना परमेश्वर। यही हम आगे पढ़ते हैं, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। 16 में लिखा है, तब उसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन की और 5 तोड़े और कमाए। जिसको 5 मिला उसने 5 और कमाया, जिसको 2 मिला उसको 2 और कमाया, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत दिन के बाद उस दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तुमने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 थोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 थोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 थोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो क्या दिखाता है, अलग अलग गिफ्टिंग हो सकता है, लेकिन हम उसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, अपने मालिक को कैसे उनको सामने पेश करेंगे, ये मायने रखता है। तब जिसको 1 थोड़ा मिला उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं चीरता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं चीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन सर्पों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता, इसलिए वो थोड़ा उससे ले लो और जिसके पास थोड़े हैं उसको 10 तोड़े है उसको दे दो। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारी एटीट्यूड, हमारा मोटिव्स, हमारा इंटेंशंस ये भी देखते हैं। देखिए यूदास इस्करियोत को देखिए, वो यीशु मसीह के साथ साथ रहा और लेकिन उसका जो एटीट्यूड है सही नहीं रहा। जब वो स्त्री इत्र पे गिरा कर उसका पांव धो रहे तो भी उस क्या कह रहा था कि, और फिर आगे हम देखते हैं वो 30 सिक्के के लिए वो यीशु मसीह को बेच दिया और फिर वो 30 सिक्के उस ऐसे फेंक के
अपने आप को आत्महत्या किया। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा मालिक कौन है और मालिक हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और फिर हम क्यों उनको लाभदायक होना है, ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये अपना मालिक के बारे ही अच्छा नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं वो क्रूर व्यक्ति है और फिर वो जहां पे बोता नहीं है वहां का कटनी काटना चाहता है। ऐसे से हमारा यीशु मसीह ऐसे नहीं है, ऐसे मालिक नहीं है। हमारा यीशु मसीह अपना आखिरी बूंद हमारे लिए बहाया, फिर उसने कहा हाँ जाके ये सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाओ कि मैंने तेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, मैंने अपना जान कुर्बान किया, मैं जिस वजह से वो तुम मुक्त मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पाप से नजात पा सकते हैं। ये इस प्रकार से यीशु मसीह ने एक अच्छा मालिक जो हमारे से कुछ आशा रखता है। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है कम से कम बैंक में डाल दे तो कुछ तो ब्याज तो मिलता है, लेकिन वो सोच रहे हैं इनको मैं क्यों इवन ब्याज भी क्यों दूं, ये तो क्रूर व्यक्ति है, मैं उसको कुछ नहीं करूंगा। और फिर जाके उसने जमीन में गाड़ दिया। इस तरह से हमारी कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर होना बहुत जरूरी है। और फिर चाहे दुनिया में हम अगर दुनिया में कोई नौकरी नए नौकरी हम प्राप्त करते हैं तो हम लोग कितना समय तक प्रोबेशन में रखते हैं लोग और हमें नोटिस करते हैं चारों तरह से इनका एटीट्यूड कैसे है, कोलिग्स के साथ कैसे हैं और मुश्किल समय में कैसे रिएक्ट करता है, जब कोई नहीं है कैसे काम करता है। बहुत सारे बातें वो लोग हमें उस संस्था में नोट करते हैं और फिर जब उसका रिपोर्ट अच्छा होता है तभी उनको उस कंपनी में ऑब्जॉर्व किया जाता है, पक्का किया जाता है। तो हमारी मालिक जो यीशु मसीह हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया और फिर जब वो दोबारा आएंगे तो हमारे पास उनको देने के लिए क्या है, वो भी बहुत मायने रखता है। इसलिए जो उसने कहा जिसने जो जिसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ उसने गुनाह नहीं किया था, उसने वो थोड़ा भी लेके जिसके पास है उसको दे दिया गया है, ऐसे लिखा है ना, तो मैं पढ़ती हूँ उसको। उसके स्वामी ने कहा धन्य है अच्छे और विश्वासी दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसके एक थोड़ा मिला था उसने आकर कहा देखिए थोड़े में भी हम विश्वास योग्य होना है, कितना हमें मिला है टैलेंट थोड़ा वो नहीं मायने रखता है, उस थोड़े को हम कैसे गुना किया है यही हमारा स्वामी देख रहे हैं। इसलिए वो थोड़ा उसे ले ले और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दिया, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वो भी उसके पास ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। देखिए कि जो परमेश्वर रिजेक्ट किया तो कितना दुख होगा, जहां पे रोना दांत पीसना होगा। रोमियो 2:6-11 में पढ़ रही हूँ, वहां ऐसे लिखा है कि हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म से स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वो अनंत जीवन देगा, पर जो स्वार्थी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर की किसी का प,
पक्ष नहीं करता है। इसलिए हर एक को अपने काम के अनुसार हमें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। रोमियो 14 और 12 में भी लिखा है, तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हम जो थोड़ा मिला है, जो समय मिला है, जो धन मिला है, उसको हम गुणा करना है। अपना स्वामी यानी कि यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, हमें वेल डन ऐसे हमको सुनना चाहिए, उनको रिपोर्ट कार्ड, जैसे हम टीचर्स लोग बच्चों लोग को साल भर उसका परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड बनाते, उस समय एक रिमार्क लिखते हैं, ये नीचे रिमार्क लिखते हैं, तो वैसे परमेश्वर हमारी रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, वहां पे रिमार्क क्या लिखेंगे आप। इसलिए हमको समय व्यर्थ नहीं करना है, हमारा टैलेंट थोड़ा व्यर्थ नहीं करना है, हमारा धन को भी व्यर्थ नहीं करना है, और पूरा उपयोग करके उनको गुणा करके और यीशु के सामने हम एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड को हम पाना है। एजेकियल 18 और 4 में लिखा है, देखो सभी के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता के प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वो ही मर जाएगा। और पहला पत्रस 4:17 में लिखा है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है, पहले परमेश्वर के लोग को न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। देखिए, जब यहूदी लोगों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, जब उसने, आपको पता है, जब प्रॉमिस लैंड में उसने बलवा किया, तो परमेश्वर ने उनको वायदा देश जाने नहीं दिया, पूरा वंश को नहीं जाने दिया, सिर्फ यहोशू और कालेब। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो यरूशलेम का मंदिर भी वो तोड़ दिया, और फिर वो कई साल वो इसराइली लोग बंदिश में चले गए, 430 साल बंदिश में चले गए। तो जब ये परमेश्वर अपना इसराइलियों को नहीं छोड़ा, तो फिर किसी को वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारी समय, हमारी थोड़ा, हमारा जो धन है, वो हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें और हमारे स्वामी को मुनाफा लाएं। हालेलुया। हम उनसे ये कहेंगे कि वेल डन, भला सेवा। ऐसे हमको सुनने, एक टीचर एक बच्चा को रिपोर्ट कार्ड में, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, इट्स अ जॉय टू टीच यू, ऐसे ऐसे रिमार्क लिखते हैं, वो बच्चा कितना खुश हो जाता है, उनका पेरेंट्स भी वो रिपोर्ट कार्ड देके कितना खुश हो जाते हैं। ऐसे हम भी जब परमेश्वर यीशु मसीह आपका रिपोर्ट कार्ड में वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, इट्स अ जॉय टू टीच यू, ऐसे ऐसे रिमार्क्स हम देखेंगे, और फिर हम सब खुशी का ठिकाना नहीं होगा, वो आनंद का उत्सव हम मनाएंगे, है ना। हालेलुया। और याकूब 4:4 में लिखा है, जो मेरे निकट आता है मैं उनके निकट आता हूँ। और फिर पहला कुरिन्थियों में लिखा, ही इज आवर डिवाइन पार्टनर, हमारे साथ वो सहकर्मी है, वो सीनियर पार्टनर है, हम जूनियर पार्टनर है, हम एक कदम उठाएंगे विश्वास के कदम, वो हमारे लिए 9 कदम उठाने के लिए तैयार है। इसलिए हम विश्वास का कदम को उठाएं, और जो कुछ थोड़े हैं, जो कुछ समय है, जो कुछ धन है, उनके हाथ में दे दें, और फिर गुणा करके वो जब वापिस आएंगे, हम उनके सामने विश्वास योग्य पाए जाए, और फिर हम उनसे सुनेंगे वेल डन, कितना अच्छा होगा। इब्रानियों में लिखा है कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए विनती करता है, वो युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजकपन अटल है, और इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने का सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह हमारे लिए विनती करते हैं, इसलिए हम भी परमेश्वर के सहायता को प्रतिदिन मांगना है। और फिर हमको यदि कई बुद्धि की कमी है या कुछ आइडियाज की कमी है परमेश्वर से,
मांगना है। और याकूब 1:5 में लिखा है, यदि बुद्धि की कमी है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और बहुत मतलब कितना भी हम अच्छा करेंगे तो और अच्छा करने का हमेशा रूम रहता है। इसलिए हमको क्या करना है कि अपना कला को अपने जो कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहेंगे और हम अपने आप को तैयारी करते हैं, प्रार्थना में तैयारी करें और पवित्र आत्मा से डिवाइन आइडियाज को हम पाएं और फिर और लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं किसी रीति से हम कैसे आगे बढ़ना है महिमा में, उनके महिमा में, उनके गवाही में, उनके जो खुश करने के लिए, जैसे मालिक जैसे सेवक को मालिक को खुश करने के लिए सेवक हमेशा ढूंढते रहते हैं, ऐसे यीशु मसीह हमारा सेवक है, हमारी स्वामी है और हम उनकी सेवक है, तो हम उनको खुश करने के लिए तरीका ढूंढना है। जब वो डिवाइन आइडियाज हमें डाउनलोड करते हैं उस आइडियाज को लेके अपने आप को और बेहतर बनाए और बेहतर बनाए और अपना स्किल्स को अपने कलाओं को इस्तेमाल करें, काम में लाए और फिर हम चमकाते रहें, जैसे एक चाकू को चमकाते रहेंगे और वो अच्छा सा इस्तेमाल होता है, एक कुल्हाड़ी को अच्छा सा चमकाते रहेंगे वो अच्छा सा लकड़ी को काटता है, वैसे अपने स्किल्स को अपने कलाओं को अपने थोड़ों को हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के मध्यस्थ प्रार्थना में ने परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बिताने में ये सारे अपने थोड़ों को हम चमकाएं और फिर परमेश्वर के महिमा के लिए लगातार इस्तेमाल करते रहें। जहां हमारे कमी है वहां परमेश्वर उस कमी को भरने वाला परमेश्वर है। फिलिपियों 4:19 में लिखा है ना, हमारे कमी घटी को वो भरने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम प्रतिदिन उनके चरणों में बैठ के डिवाइन आइडियाज को डाउनलोड करें, उस कलाओं को उस आइडियाओं को इम्प्लीमेंट करने में अमल करने में पवित्र आत्मा का सहायता मांगे और वचन का रेवलेशन प्रकाशन पाके हम परमेश्वर के लिए नई तरीके से इस्तेमाल हो जाए और नई तरीके से एक गवाही बन और अपने परिस्थिति को अपने परिवार में और यरूशलेम में यूदिया में समारिया में दुनिया की छोर तक हम परमेश्वर के लिए गवाह बन सकते हैं, उनका महिमा का मंच हम बन सकते हैं। चलिए इस तरह से हम प्रतिदिन खोज में रहें और नहीं है तो क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति जिसने कुछ भी हासिल नहीं किया और वो जाके मिट्टी में दबाया और उस व्यक्ति से परमेश्वर बहुत नाराज था और जिसके पास वो एक था और वो भी निकाल के जिसके पास बहुत सारा है उसको दे दिया और फिर उसका रिजेक्ट किया गया, उसका तिरस्कार हुआ और फिर वो जाके जहां पे नहीं जाना था उस जगह में गया और वो अनंत काल का आग है और फिर वहां नहीं जाना। परमेश्वर वो उस जगह मनुष्य के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर के लिए स्वर्ग बनाया, वो उस जगह शैतान और उनके चेलों के लिए बनाया। इसलिए हम प्रतिदिन हम अपने स्वामी को खुश करने के लिए तैयारी में हम लगातार बने रहे और फिर जब वो बादलों में आएंगे हम खुशी से उनके साथ एक पलक जपने से पहले हम तबील हो जाएंगे और फिर उनके बादशाह में हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे। हालेलुया। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, यूज इट और लूज इट, हम सब के लिए परमेश्वर 24 घंटे दिए हैं, सनलाइट दिया है, बारिश दिया है और बहुत सारे रिसोर्सेस दिया है, लेकिन प्रभु कुछ लोग को परमेश्वर कुछ गिफ्टिंग्स अलग अलग थोड़े भी दिए हैं प्रभु, चाहे कुछ भी दिया हो प्रभु, अलग अलग गिफ्टिंग हमारे पास कोई भी टैलेंट हो, चाहे कुकिंग का हो, चाहे राइटिंग स्किल्स हो, चाहे बोलने का स्किल्स हो या पब्लिक स्पीकिंग या
कुछ भी ऐसे कला हो हमारे हाथ में है प्रभु, और वो सब हम परमेश्वर तेरी महिमा के लिए अच्छी तरह इस्तेमाल करें प्रभु, और उसको गुणा करें प्रभु यीशु, और प्रभु और जिम्मेदारी सेवक जिम्मेदारी उठाएं प्रभु हालेलुया, और फिर ओबीडियंट बने प्रभु यीशु, और जब आप वापस आएंगे प्रभु यीशु, हम एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड आप हमारे लिए बनाएंगे, अच्छा रिमार्क लिखेंगे प्रभु, क्योंकि हम अच्छा वफादार रहा फिर आप हमें सबको शाबाशी देंगे प्रभु। ऐसे हमें जीवन देना प्रभु, आज्ञाकारिता जीवन देना, मेहनत का जीवन देना, वफादार का जीवन देना प्रभु, और फिर प्रभु हमें पवित्र आत्मा का अगुवाई पे कदम कदम पर एक एक दिन को गिनते हुए परमेश्वर को भय मानते हुए हम बिताएं प्रभु, और तेरी आशीषों का हम वारिस बने रहें प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन।